विंटर्स की वजह से फेस पर काफ़ी ड्राइनेस आ गई है, फाइन लाइंस और रिंकल्स नज़र आने लगे हैं, पिंपल्स और दाग धब्बे तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। हमने कई तरह की सीरम्स अप्लाई कर लिए हैं, वो भी मार्केट के इतने एक्सपेंसिव सीरम्स, और सेटिस्फेक्शन तो हमें अभी भी नहीं मिला है। तो आप लोगों की इन सब परेशानियों को देखते हुए मैं आप लोगों के लिए विंटर केयर सीरीज का पार्ट 4 लेके आई हूँ। उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि घर पे नेचुरल फेस सीरम कैसे प्रिपेयर करना है। जल्दी से आइए, हम उसे देखते हैं। नमस्ते, मैं हूँ शालिनी, वेलकम टू माय चैनल। आओ खूबसूरती निखरते हैं। सीरम बनाने के लिए मैंने यहाँ सबसे पहले 4 चम्मच एलोवेरा जेल काम में लिया है। एलोवेरा जेल के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ये स्किन को सन डैमेज से प्रोटेक्ट करते हैं। एलोवेरा के अंदर विटामिन ई और बीटा कैरोटीन होता है, जो भी फाइन लाइंस और रिंकल्स होते हैं उन्हें ये प्रिवेंट करता है, कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट करता है। एलोवेरा का रेगुलर इस्तेमाल करने से स्किन फर्म, टाइट और यूथफुल दिखने लगती है। अब इसके अंदर मैंने 1 चम्मच ग्लिसरीन काम में ली है। ग्लिसरीन के अंदर मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, ये स्किन को हाइड्रेट रखती है और स्किन पर जो मॉइस्चर होता है उसको लंबे टाइम के लिए लॉक इन करके रखती है। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देरी किस बात की, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों को मेरे नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। अब मैंने यहाँ पे 4 से 5 चम्मच रोज वाटर इसके अंदर ऐड किया है। थोड़े ही दिन पहले मैंने घर पर ही रोज वाटर प्रिपेयर किया था, वो भी मार्केट जैसा। अगर अभी तक आप लोगों ने उसे चेकआउट नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने आई बटन में दिया है, आप उसे देख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक कमाल का एसेंशियल ऑयल काम में लिया है, वो है रोजहिप ऑयल। जी हाँ, मैंने यहाँ पे 1 चम्मच रोजहिप ऑयल काम में लिया है। रोजहिप ऑयल के अंदर विटामिन सी की मात्रा बहुत अच्छी होती है, ये स्किन टोन को लाइट करती है और एक फेस पे नेचुरल ग्लो देती है। बहुत से लोग परेशान हैं अपने एक्ने, पिंपल, एक्ने प्रोन स्किन से कि हम ऐसे क्या यूज़ करें, हमने बहुत टाइम से तो हम हमारी स्किन को क्लीन और क्लियर तो देखे ही नहीं है। मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आप लोग इसका रेगुलर इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दीजिए, आप फिर अपनी स्किन को देखिएगा, आपको जो अपनी स्किन क्लीन, क्लियर और ग्लोइंग दिखेगी उसे देख के आप शॉक हो जाएंगे कि हम भाई कहाँ थे, हमने अभी तक यूज़ क्यों नहीं किया है इसका। अब मैं इन सबको अच्छे से स्टिर कर रही हूँ। मुझे यहाँ सीरम की कंसिस्टेंसी चाहिए, मुझे यहाँ पे रोज़ वाटर और ऐड करने की ज़रूरत लगी थी तो मैंने यहाँ पे 3 से 4 स्पून और रोज़ वाटर इसमें ऐड कर दिया था। अब इसे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 से 3 मिनट में ये हमारा अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और ये देखिए, सीरम की कंसिस्टेंसी एग्जैक्टली यही रहनी चाहिए। अब मैं इसको एक बॉटल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। इंश्योर कीजिएगा बॉटल साफ़ सुथरी, क्लीन, ड्राई होनी चाहिए। ये देखिए, मेरा सीरम बनके एकदम रेडी हो गया है। इसे हमें अप्लाई कैसे करना है? मुझे भी जनरली पिंपल और एक्ने की परेशानी काफ़ी रहती है, और जब भी होता है वो एकदम डार्क गंदा सा निशान छोड़ के जाता है इस तरह का, ये मुझे होते ही रहते हैं। तो आप इधर देखिए, मेरा एकदम फेस क्लीन दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है, क्योंकि मैं इसका रेगुलर इस्तेमाल करती हूँ। मैंने तो जब से ये काम में लेना स्टार्ट किया है, मार्केट के सीरम तो मैंने काम में लेना ही छोड़ दिए हैं। एक तो इतना महंगा आता है, ऊपर से इतने भर भर के केमिकल, तो क्यों यूज़ करना है? मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप लोग भी आज से, अभी से ये काम में लेना स्टार्ट कर दीजिए। इसके रिजल्ट्स आपको इतने शानदार मिलने वाले हैं, बस आप लोग इसका रेगुलर इस्तेमाल कीजिए। कभी भी रिजल्ट एक दिन में नहीं दिखता है, इसका रेगुलर इस्तेमाल करते रहेंगे तो आपके इसके इतने शानदार रिजल्ट मिलेंगे, आप लोग भी मेरी तरह बाहर का सीरम काम में लेना ही छोड़ देंगे। अब बताती हूँ कि इस सीरम को कैसे इस्तेमाल करना है। सबसे पहले आप अपना फेस वॉश से फेस क्लीन कर लीजिए, देन उसके बाद हमें टोनर अप्लाई करना अनिवार्य है। जो भी आप यूज़ करते हैं टोनर, आप वो काम में लीजिए। अगर आप लोग होममेड देखना चाहते हैं तो मैंने रिसेंटली अपलोड किया है विटामिन सी टोनर, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं, उसका लिंक मैं आई बटन में दे रही हूँ। अब टोनर अप्लाई करने के बाद हमें सीरम अप्लाई करना है, तो आप 4 से 5 ड्रॉप लीजिए और अपने फेस पर अप्लाई कर लीजिए। सिर्फ 1 मिनट के लिए उसको एब्जॉर्ब होने के लिए छोड़ दीजिए, देन उसके बाद आप अपना मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लीजिए। इसे आप मॉर्निंग और इवनिंग दोनों ही टाइम आप यूज़ कर सकते हैं। जो सीरम की मैंने आप लोगों को क्वांटिटी बताई है वो 15 से 20 दिन के लिए बनाया है। इसे हमें रेफ्रिजरेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने कोई ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं डाला है जिसे रेफ्रिजरेट की ज़रूरत लगे। आप इसे आराम से 20 दिन के लिए बना के रख सकते हैं और आप बाहर रखिए इसे।
इस सीरम को कौन कौन अप्लाई कर सकता है? इस सीरम को बड़े अप्लाई कर सकते हैं, बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज इसके अंदर हमने एसेंशियल ऑयल डाला है। तो बच्चों को एसेंशियल ऑयल से दूर ही रखिए। अगर आप लोगों को बच्चों के लिए बनाना है तो एसेंशियल ऑयल को स्किप कर दीजिए, बाकी आप यूज़ कर सकते हैं। इस सीरम का आप रेगुलर इस्तेमाल कीजिए, बट जो तरीका मैंने बताया है उसी तरीके से आप इसे अप्लाई कीजिए। कुछ ही हफ्तों में आपको इसके बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जो भी फाइन लाइंस रिंकल्स की परेशानी है वो दूर हो जाएगी, जो दाग धब्बे आपके चेहरे पे नजर आ रहे थे वो कहीं गायब हो जाएंगे, आपका फेस एकदम क्लीन क्लियर और ग्लोइंग दिखने लगेगा। अगर आप लोगों को मेरी ये रेमेडी अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसके रिजल्ट्स आप जरूर शेयर कीजिएगा। कीप अप्लाइंग, कीप ग्लोइंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।